Hey, what's up? It's Pretty and welcome back again with a new vlog. Or Abhi, we are about to explore a new place. So, before going to that place, let us know what this place is all about. So, we are currently now in Khajuraho. It is known as City of Temples. Kyun? Kaise? Sab pata chalega is vlog mein. So, the vlog continue karne se pehle, if you are new to the channel, make sure you hit the subscribe button, like the video and do share it with everyone. जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते हो चलो आज दिखाते हैं खजुराहो क्या है और मैं किस लिए यहाँ पे आया था सब बात करते हैं तो अभी होटल से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर जाएंगे तभी तो आपको घुमाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं नाउ वी हैव स्टेप्ड आउट फ्रॉम आवर होटल और अभी कहाँ चलना है ये थोड़ा डिसाइड नहीं किया लेकिन अभी मार्केट में जाने वाले मार्केट में कुछ शॉपिंग करते हैं यहाँ के कुछ रीजनल चीज़ें खरीदनी है उनको भी खरीदते हैं उसके बाद हो सके तो टेंपल जाएंगे और खजुराहो एक ऐसी जगह है जो कि अपने टेंपल्स के लिए जानी जाती है क्यों जानी जाती है यहाँ के जो भी टेंपल्स होते हैं उनमें एक अलग थीम होता है इट्स बेस्ड ऑन संभोग से आपका शमशान इट्स लाइक की सेक्स एंड डेट तो उसके ऊपर पूरा बेस्ड है मेरे पास कोई गाइड नहीं है तो खुद से ही जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा मैंने गूगल करी चीज़ें गूगल से पढ़ी चीज़ें लेकिन उतना इन्फोज मेरे को मिल नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे कॉलेज के असाइनमेंट के लिए हम लोग आए थे कॉलेज का कुछ तो प्रोजेक्ट था एक उसके लिए आए थे तो उसके चक्कर में अपने को टाइम नहीं मिल पाया तो अभी टाइम ढूंढ रहे हैं और छोटा सा टाइम निकाला 2 घंटा अपने पास 2 घंटे में पूरा एक्सप्लोर करना है तो अभी मार्केट चलते हैं और मार्केट चल के फिर देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे कुछ लिया जा सकता है तो चलो आपसे डायरेक्ट मार्केट में ही मिलते हैं सो इधर आने का मेन मोटिव ये था कि यहाँ पे खजुराहो में किफ हो रहा है किफ इज लाइक खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कॉलेज से कुछ लोगों को पिक किया गया था जो कि यहाँ पे आएंगे शूट करेंगे नई नई चीज़ें सीखेंगे तो मेरा इंटरव्यू वाले सेक्शन में था तो मेरे को इंटरव्यू कैसे पूरा मैनेज करता है कर किया जाता है वो पूरा लाइटिंग कैमरा एंगल सब सिखाया गया तो अभी टाइम मिला तो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में अलग अलग कॉलेजेस आते हैं 2-3 कॉलेजेस आते हैं मेनली आपके उन 2-3 बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे रिकॉर्ड करने में तो उन 2-3 कॉलेजेस में से अपना कॉलेज भी एक था तो अभी हम लोग मेन इवेंट पे जा रहे हैं जहाँ पे खजुराहो का मेन इवेंट होता है तो आपको वो सी चीज़ दिखाएंगे अभी जाएंगे अपन मेन इवेंट पे देखेंगे अगर कोई होगा तो मिलाएंगे और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ चलती है टपरा टॉकीज आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप छोटे जो सिनेमा घर होते हैं उनको आप टपरा टॉकीज भी बोल देते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे So this we are sorry madam topics. for your loss. हमें बहुत अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था क्या आप हमें फिर से एक बार बता सकती हैं कि क्या हुआ था देखिए हमारे लिए आपका स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं वापस आऊंगी तो वो मुझे बताएंगे कि नाम क्या रखा है सो गाइज ये था आपका टपरा टॉकीज होता क्या है मेनली टपरा टॉकीज आपका एक टाइप का छोटा सा थिएटर होता है सिनेमा हॉल होता है जिसको छोटे छोटे लोग जो होते हैं जो आपके रिमोट एरिया से आते हैं जो आपके रूरल एरिया से आते हैं उन लोगों को जो मूवीज होती है एक्सेस कराने के लिए जो फिल्म है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए दिस कॉन्सेप्ट वॉज इन्वेंटेड विच इज़ नोन एज टपरा टॉकीज तो ये तो मेन इवेंट का टपरा टॉकीज था लोग रीजनल लोग बैठ के देखते हैं अभी हाँ छोटू क्या नाम क्या है अनूप कुशवाहा अनूप कुशवाहा हाँ। बोलो सब्सक्राइब टू SPTN SPTN बहुत बढ़िया तो जो आपका मेन टपरा टॉकीज का कॉन्सेप्ट था तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया लोकल लोगों को भी दिखाया जाता है और मेन इसका मकसद ये है कि जो फिल्में हर एक लोग के पास पहुँचे फिल्म देखना सबका अधिकार है तो इसलिए ये टपरा टॉकीज बनाया गया है अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में ये तो मेन इवेंट का था मार्केट में कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी टपरा टॉकीज पे दो दो करके स्टूडेंट्स को टपरा टॉकीज पे लगाया गया है कि वो लोगों को फिल्में दिखाएं तो अभी मार्केट टपरा पे जा रहे हैं दोस्त कुछ है कुछ फ्रेंड लोग उनसे मिलते हैं उसके बाद मार्केट में कुछ शॉपिंग उसके बाद टेंपल तो ये अपना आज का प्लान है तो चलिए मार्केट में ही मिलते हैं आप लोग को ये जगह इतनी खूबसूरत है ना कि इसकी खूबसूरती को हम लोग ऐसे ब्लॉग में नहीं बयां कर सकते ये देखो मेरे सामने एक प्यारा सा लेक है और लेक के जस्ट वहाँ पे अगर आप देख सकते हो
टेम्पल है, ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, ट्राई करेंगे टेम्पल जाने का। मैंने बहुत लोकल लोगों से ही पूछा तो उन्होंने वाटरफॉल वगैरह का भी मुझे बताया। तो वाटरफॉल जाने का सीन हो सकता है 5 बजे से पहले अगर निकले तो पहुंच पाएंगे, वरना वो बंद हो जाएगा। पहले तो चले मार्केट में मिल लें कुछ लोगों से, देखते कोई साथ में अगर चलेगा तो उनको भी साथ में लेके चलेंगे। और जो जो जगहों पे घूमने का प्लान है वो आज शाम में सारा इवेंट ख़त्म होने वाला है तो लोगों का पार्टी का मूड है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। जगह नहीं है, मैं नया हूँ, एक्सप्लोर करते हैं जगहों को। अरे वो तो देश की भलाई के लिए हमने इनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके इनको अपनी सरकार में शामिल कर लिया। सिर्फ 10 MP, सिर्फ 10 MP के बलबूते पे जब देखो सारे हमको धमकाते रहते थे। फिर पहला मौका मिलते ही हमने भी इनको है ना दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। तो ये था अपना टपरा टॉकेज। यहाँ पे एक और मूवी चल रही थी, रीजनल मूवी चलती है, नई नई शॉर्ट फिल्म जो बनाए जाते हैं वो भी दिखाया जाता है लोगों को, ताकि लोगों तक मेन जो कॉन्सेप्ट है वो पहुँचे, मेन जो स्टोरी है वो पहुँचे। तो अंदर सोचा रिकॉर्ड करूँ, लेकिन रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी और मेरा जो माइक है बोया का ये बहुत वॉइस कैप्चर करता, तो इसलिए नहीं किया। अभी मार्केट में जाएंगे, मार्केट में कुछ कपड़े लेंगे, कपड़ों के बाद कुछ कीचेन्स भी लेने हैं, थोड़े नॉटी कीचेन्स हैं, और उसके बाद वाटरफॉल का सोचा और टेम्पल्स का सोचा है, तो लास्ट में दोनों डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले भी कपड़े ले लेते हैं। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। सर कपड़े चाहिए थे, मिल जाएंगे? हाँ, मिल जाएंगे सर। यहाँ का जो स्पेशल है बैम्बू वाला प्रोडक्ट, जी जी, बैम्बू कुर्ता, बैम्बू साड़ी, दुपट्टा, जी जी, जो भी चाहिए होगा आपको बिल्कुल मिलेगा रीजनेबल। ठीक है सर, कुछ कुर्ते दिखाइए सर। जी जी दिखाइए सर। ये अपना छोटा सा शॉप है सर, शॉप छोटा है लेकिन कलेक्शन में कोई कमी नहीं है सर। जो स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं खजुराहो के, जी जी, वो सारे मिलेंगे आपको सर। आपका शुभ नाम? अभय अग्रवाल सर। अभय अग्रवाल जी की ये दुकान है, अगर आप लोग खजुराहो में आते हैं तो कपड़े इनसे जरूर लें। कलर बहुत अच्छे हैं, ये लॉन्ग वाला है, कुर्ता वाले में भी कलर है। नहीं बताइए कुछ खजुराहो के बारे में, किस लिए खजुराहो जाना जाता है? खजुराहो साहब हमारे यहाँ की ये मंदिर है, बहुत प्राचीन काल के मंदिर है, जी जी जी, जो मेरे अंदाज में वर्ल्ड में कहीं नहीं इस टाइप के मंदिर, जी जी जी, इन्हें देखने के लिए सात समुंदर पार, मतलब इवन विदेशों से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, जी जी। अभी ये कोरोना का टाइम है, इसमें फ्लाइट व्लाइट बंद है, इसलिए विदेशी पर्यटन नहीं आ पा रहा है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए बाकी अभी हिंदुस्तानी भी पर्याप्त आ रहा है। और कोई खजुराहो आना चाहे तो मंदिर के अलावा और कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ये सब देखिए मंदिर है, फिर इसके बाद अपने यहाँ से 22 किलोमीटर पर रने वाटरफॉल है, वाटरफॉल, हाँ, पन्ना यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी पे पन्ना सफारी है, जी जी। और यहाँ अभी सब एक MP टूरिज्म वालों का नया एक रिसोर्ट बना हुआ है जहाँ वो कुटने डैम है, जी जी जी। उसे कुटने आइलैंड करके कहते हैं, यहाँ से 11 किलोमीटर है, बहुत बड़ा स्टाफ डैम है, पानी में उधर MP टूरिज्म का रिसोर्ट भी है, जी जी जी। उस स्टाफ डैम में बोटिंग वगैरह भी है, बहुत अच्छा लगता है उधर जाने से। और सर एक थीम यहाँ ये भी बताया जाता है खजुराहो में, संभोग से आपका शमशान, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, बाकी हमारी जो मंदिर है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, जी 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 जी। खजुराहो जो लोग भी आते हैं वो सिर्फ यही सुन के जी को देखने ही आते हैं, जी 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 जी। तो सर अपना गुड नेम बता दीजिए एक बार। अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी थे हमारे साथ, कुछ जाना हमने खजुराहो के बारे में। सर बताए भैया, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं और हमारे आदरणीय सांसद मिस्टर BD शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं। खजुराहो में 100 करोड़ का एयरपोर्ट बना हुआ है, जी, और यहां पर भारतीय पर्यटक काफ़ी संख्या में आ रहे हैं जिनको आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर बोइंग फ्लाइट नहीं दे सकते हैं तो एक 70-सीटर फ्लाइट ही दे दें जो दिल्ली बनारस खजुराहो को कवर करे, तो इससे खजुराहो के पर्यटकों में काफ़ी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी आपकी कुछ खजुराहो की लोकल रीजनल प्रॉब्लम, आशा करता हूँ कि कोई तो देख रहा होगा जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करेगा, और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रॉब्लम को आगे, इस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। अभी इस समय हम लोग एक बहुत ही अच्छे शॉप पे हैं। सर ये शॉप आपकी है? जी नहीं, वो है भाई साहब। सर की है? हम तो काम करते हैं। तो सर आप कुछ दिखाओगे हमें लेने के लिए? यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, आपको अलग अलग आर्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटीफुल आर्ट्स हैं यहाँ पे, टेबल आर्ट्स हैं ये सारे हैं, ये आपके हैंगर्स हैं,
इतने स्टाइलिश हैंगर आपने देखे नहीं होंगे। फिर ये सब डोर लॉक है सर? जी हाँ, डोर लॉक है। इधर ये स्टैंड्स है, और ये गांधी जी हैं अपने, आप गांधी जी को भी देख लीजिए, सामने आपकी घंटी वगैरह है। तो यहाँ से भी हम लोग कुछ लेने वाले हैं। और अंदर आप दुकान के आते हो तो वाह, आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती है। मैं जूम करके एक एक सेक्टर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको अंगूठियाँ हैं, रिंग्स हैं, कुछ ब्रेसलेट है, पायल है, और पीछे आपको बहुत ही अद्भुत कलाकारी आपको देखने को मिलती है। ये एरोटिक फिगर है, कामसूत्र के सामने। सर ये क्या है? मैग्नेट बुक कामसूत्र फिगर लगे हुए। ओके ओके ओके, दिस वन। ओके, ये कामसूत्रा के हैं, ये आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैंडस्टोन में कामसूत्रा के। तो ये सारी, सर आपकी दुकान की नाम क्या है? गिफ्ट एम्पोरियम। यहाँ पे आप आ सकते हैं खजुराहो में। और सर के पास बहुत अच्छी खासी कलेक्शन है, हम लोग भी देखते हैं कि क्या अपन इधर से ले, लेकिन आप आए तो जरूर मिलेगा। और मेरा नाम बताइए सर, आप ऑफ देंगे कि नहीं लोगों को? बिल्कुल सर, आपको ऑफ देंगे, तब तक मैं भी कुछ देख लेता हूँ ले लायक। सो लास्ट में ये कड़ा लिया, कुछ खींचे, कुछ झुमके उमके सब है पैक। सर किधर से ले लिया? सर सामान तो आपने बहुत अच्छा दिखाया, प्राइस रिजनेबल थी, अच्छी प्राइस में मिल गया, क्योंकि एक झुमका लिया, तीन कीचेन, एक ओपनर, एक कड़ा, तो 550 के अंदर आपको मुंबई में तो एक ही सामान नहीं मिलेगा। सर अपना नाम एक बार वापस बता दीजिए। वीरेंद्र जी के इधर आइए, आप लोग को बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा। भैया सर, ये भैया सर मिले इनसे। सर हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फीलिंग खजुराहो? अरे सर थोड़ा फुटेज हमें भी दे दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने भेजा भाई के बाद, और आज आखिरी दिन है, और जैसे कि आज आखिरी दिन में पार्टी होने का मैंने सुना है, पार्टी होती है, तो उसी के बस इंतजार है कि कब पार्टी हो। वो इंतजार की इंतहाम चल रही है। बहुत राजा कैफे जाने का मन था, इतनी हवा होती है यहाँ पे उसकी। राजा कैफे चलेंगे सामने, ये हमारे कमलेश जी है जो हमेशा सुबह एकदम हमेशा अपने ड्यूटी पे आ जाते हैं, और हम लोग को होटल से वेन्यू, वेन्यू से होटल, पूरा कभी भी लेट नहीं करते हैं। तो कमलेश जी को हैट्स ऑफ। और सर आप, हेलो, आज पार्टी है तो सब पीने वाले लोग तो पीने के प्लानिंग में, पर हम लोग पीते नहीं है, तो हम लोग चिकन ढूसने के तैयारी में। हम लोग बस चकले और चिकन ढूसेंगे। और कमलेश जी हमसे इतना प्यार करते कि कभी भी फोन करो तुरंत आ जाएंगे, लगे तो सर कॉल करेंगे तो नहीं जाएंगे। कमलेश जी ओपी एक बार चैट में हो जाना चाहिए। तो अभी मार्केट से आई केम बैक अगेन टू मिंट होटल, किस लिए? यहाँ पे इंटरव्यू शूट होता है, वी हैव टू शूट द इंटरव्यू ऑफ सम गेस्ट जो आते हैं, और उसके शूट के लिए मैं सोचा कि आज मैं फ्री हो जाऊंगा, बट बाकी लोग भी एडिटिंग वेडिटिंग के काम में थोड़े बिजी थे, इस चक्कर में मेरा बाहर का घूमने का नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे जो लोकल मार्केट है उनको थोड़ा ट्राई किया एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लोर थोड़ा बहुत किया भी, कुछ चीज़ें लिया, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑन कैमरा दिखा भी नहीं सकता, फॉर विच खजुराहो इज़ मेनली नोन फॉर। तो अभी यहाँ पे इंटरव्यू शूट करना है, मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ, वो शायद कोई शॉर्ट फिल्म में किसी की हेल्प कर रहा है, वो कोई शॉर्ट फिल्म वो लोग शूट कर रहे हैं, तो उससे जाके भी मिलता हूँ, देखता हूँ हम लोग को सारा इंटरव्यू सेटअप करना पड़ेगा। पिछला इंटरव्यू अपना यहाँ रिकॉर्ड हुआ था, ये जो कुर्सियाँ रखी हैं आपको इधर, उसके बाद हम लोगों ने नया एक सेटअप ढूंढा, और ये पूरा यहाँ का व्यू है। आप मस्त, क्या चिल वाला एरिया है, लेकिन अपने को तो इधर बस काम ही काम है, नो आराम वली काम। तो अभी मिलते हैं सिद्धार्थ को, ढूंढते हो सिद्धार्थ को, ढूंढने के बाद देखते हैं कि क्या को सूट कर सकते हैं। मैंने एक बढ़िया चीज़ ली है, दिख रहा है? घर पे चल के एक और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा, अनबॉक्सिंग ऑफ खजुराहो थिंग्स, क्या क्या मैंने खजुराहो से लिया, लेकिन अभी तो दिखा नहीं सकते और टाइम भी बहुत कम है, बैटरी भी ज़्यादा लो हो रही है। जल्दी से सिद्धार्थ को ढूंढते हैं, क्योंकि 5 बजे इंटरव्यू शेड्यूल है, आप देखते हैं कौन सा गेस्ट आया इंटरव्यू में, आपको गेस्ट का भी एक ग्लिम्स देते हैं, और जिन जिन गेस्टों से मैं मिला हूँ, गेस्ट लोग से, उनके भी आपको मिलेंगे कि किन से मैं मिला हूँ, तो वो सब भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए जूम आउट। सो अभी हम लोग स्विच कर चुके हैं वाइड एंगल मोड में, और दिस इज 1740 AM लेंस, काफ़ी वाइड आ रहा है, ये लेंस लेना है, ब्लॉक करना है, तो ये लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, 80-55 mm से तो ज़्यादा नहीं कवर होता था। ये इंटरव्यू का सीन था जहाँ इंटरव्यू शूट किया, एक ये अपना कैमरा लगा है, दूसरा 5D इधर लगा है, और इधर R लगा हुआ है,
यहाँ पे ये मास्टर कैमरा में 200D विथ आपका लगता है 1740 mm, और ये था अपना सेट और आज के स्टार है रूबल सेट नॉट रूबल सर विकुल सर. Oh, yeah. So how do you feel coming to this set? ओके कैमरा फुटेज हो गया. सो अभी हम लोग वापस जाने वाले हैं इवेंट को. इवेंट में कुछ शॉट्स दिखाएंगे, उसके बाद मार्केट. मार्केट में कुछ की चेंज एक्सचेंज करने क्या थे वो अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताया जाएगा. तो फिर चलिए रूबल से. रूबल क्यों बोल रहा हूँ मैं? काम जुगाड़ू जुगाड़ वाला स्टूडियो. स्टूडियो पे आए अभी एक इंटरव्यू शूट करना और ये ब्लॉग इधर ही खत्म करूंगा इंटरव्यू का लास्ट स्नैप देके आप लोग को, क्योंकि इसके बाद होटल जाना है, मेरे को पैकिंग करनी है. और जितना आपको सोचा था मैं खजुराहो घुमाने का, खजुराहो तो घुमा नहीं पाया, खुद के बारे में ही बताते रह गया और ये क्या मैंने लिया वो सारी चीज़ें बताया मैंने. मैं चाहता था यार आप सभी को टेम्पल घुमाऊँ, मैं खुद नहीं जा पाया घूमने टेम्पल. चलिए नेक्स्ट टाइम मैं अकेले आऊँगा खजुराहो एक बार ट्रिप मारने, क्योंकि ये जगह इतनी प्यारी है ना, जगह से प्यार हटेगा ही नहीं यार. तो अभी हम लोग इंटरव्यू शूट करेंगे आपको. चलो मैं वापस दिखाता हूँ क्या सेटअप रहता है. एक ये है, एक वो है, और ये बाकी आपकी चीज़ें हैं, और एक रूबल का इधर फोन आ रहा है. चलिए मेरे को एक कॉल आ रहा है हेड से, मैं बात करते हैं. सो गाइज एडिटिंग का काम हो गया. अरे जूम आउट कैसे होता है? हाँ एडिटिंग का काम हो गया है. एडिटिंग नहीं, किसका काम हुआ है अभी? शूट का काम हो चुका है. इंटरव्यू डन हो चुके हैं सारे और किफ 2021 एंड हो चुका है. कि ज्यादा इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि काम बहुत बहुत ज्यादा था, बहुत हेक्टिक था. सुबह 11 बजे शुरू होते थे, रात के 11 बजे खत्म होते थे, होटल लंच वगैरह सब कुछ. काम बहुत ही हेक्टिक था, हेक्टिक शेड्यूल था. ट्राई किया जितना मैंने ब्लॉग ये ला, अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम हो गया क्योंकि अभी इवेंट पे जाना है. इवेंट पे जाके आफ्टर मूवी देखते हैं, उसके बाद वापस आना है तो उसमें ब्लॉग कर नहीं पाऊंगा. सोचा अभी ब्लॉग एंड कर देते. चलिए आप सभी से मिलते हैं बाद में. और आई होप एक छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो. चाहता था पूरा खजुराहो आपको घुमाना लेकिन घुमा नहीं पाया. कभी अकेले में आएंगे, मिलेंगे, फिर ब्लॉग करेंगे, फिर घूमेंगे. ये भैया अपने सिद्धार्थ सिंघानिया साइनिंग ऑफ. चलो बाय बाय, टेक केयर, सायनारा.